few moments later. Let's go. चलो चलो चलो. Let's go. बर्फ देखने के लिए. स्नोफॉल देखने जा रहे हैं हम. इतनी खुशी. तो मेरे दोस्तों बाहर स्नोफॉल हो रहा. आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, तुम्हें स्नोफॉल दिखाऊं मैं आज. नीचे आवाज आवाज. तो मेरे दोस्तों राम राम, नमस्कार भाई. देखो आज जो है हमारे चाइना के चांगचुन सिटी में जो है बर्फबारी हो रही भाई. दबा के बर्फ अभी तक पड़ी रही है. ये देखो, तो अमन जो है लाइफ में पहली बार जो है बर्फ देखने के लिए आया बाहर. हो और इसकी वीडियो भी पहली बार ही बन रही है. ये चलो इसका पिक्चर थोड़ा फोटो भी क्लिप कर लेता हूँ. तो भाई मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, दिखा देता हूँ तुम्हें. पूरा स्लीपिंग बैग भी पहन के आ गया. तो भाई हम लोग जो है बर्फ का आनंद लेने के लिए आए हैं और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे. आज जो है इस साल की पहली बर्फबारी है चाइना में. बर्फ अभी भी बर्फ पड़ रही है, आप लोग देख सकते हैं. भाई हमारी सोसाइटी में कैमरे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं. अब पतझड़ आ गया है, पत्ते ख़त्म हो गए, तो ये सारे कैमरे आपको नज़र आएंगे. अंदर यहाँ पे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कैमरे हैं. तो ये देखो दोस्तों, योगिता और अमन के लिए कुछ फ़ोटो क्लिक करूँगा मैं. अमन, योगिता, ए हेलो, से हेलो अमन. आईफोन 11 प्रो मैक्स की जो पिक्चर क्वालिटी है भाई, वो गजब की है, अच्छी है. वाह, ला ला ला, वो ही ला चाहिए, वो ही करना. हाँ, वो ही फायदा चाहिए आंधा. अब यार, चलो. तो भाई वैसे तो हमने बहुत इंजॉय किया यार, काफ़ी अच्छा लगा बाहर जाके, है ना. बट अमन को ज़्यादा ठंड ना लगे इसके लिए हमने जो सिर्फ 2-4 मिनट का समय ही बाहर से स्पेंड किया है, और अब जो है घर वापस आ रहे हैं. अमन, हाँ ये देखो, हमने वैसे तो अमन को ना काफ़ी अच्छी मोटी वाली जैकेट भी पहना ली थी और उसके लिए कैप भी है, है ना. बट फिर भी उसकी आँखों से आंसू आने शुरू हो गए. तो इसलिए भाई हम वापिस जा रहे हैं. ये यहाँ के डिलीवरी बॉय हैं, यही ड्रेस रहती है भाई चाइना में. आप देख सकते हैं ये घर पे खाना छोड़ने जाते हैं. और हमारी देखिए लिफ्ट लगी हुई है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए स्क्रीन भी लगी है. और बताओ मेरे दोस्तों, आप लोग कहाँ जा रहे हो? स्नो किस किस को पसंद है? अगर पसंद है तो भाई आ जाना हिमाचल, जब मैं हिमाचल आऊँगा तो. देखो यार, और मेरा जैकेट आप देख सकते हो दोस्तों, ये देखो जैकेट. तो भाई यहाँ पे इस तरह की तैयारी करनी पड़ती है सर्दियों में. 7-8 महीने के लिए ठंड हो जाती है हमारी सिटी में, तो पूरे लंबी वाली जैकेट चाहिए. यहाँ पे 6-7 महीने के लिए ठंड रहती है, तो इसलिए और -20 से -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है. तो इसी तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं आपको. इन दोनों को घर पे छोड़ के एक बार फिर से मैं सोच रहा हूँ बाहर जाने के लिए. एक चीज़ और दिखाता हूँ, बस जुड़े रहो वीडियो के साथ. सो मैं चेंज कर रहा हूँ. मेजर, तो दोस्तों एक चीज़ और देख लो भाई, यहाँ पे देखो साइकिल. सर्दियों में जो है यहाँ पे देखो दोस्तों, बर्फ़ पड़ी है बाहर. बर्फबारी आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है. अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई है और भी बर्फ़ पड़ने वाली है, और 6-7 महीने के लिए यहाँ पे अभी यही वाला माहौल रहता है. और यहाँ पे आप देखो दोस्तों, साइकिलें मैंने यहाँ पे लटका दी हैं,
ये देखो अगर मेरी सिटी में है कोई छांग छुन में तो मिल सकता है भाई, ये साइकिल यूज कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, अगर चाइना में है तो कोई। बट यहाँ से किसी को चाहिए साइकिल तो ये ले लो, मैंने क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ भाई, ये साइकिल यूज़ होती ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फबारी रहती है भाई 6 से 7 महीने के लिए। और यहाँ पे होता क्या भाई, जो 6-7 महीने के लिए तो पूरी ठंड रहती है कड़ाके की एकदम, जब थोड़ी सी गर्मी आती है वो गर्मी नहीं आती है, बिल्कुल नॉर्मल सा ठंडा ठंडा टेम्परेचर रहता है 1-2 महीने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं भाई यहाँ पे चाइना में अभी हमारी सिटी में -4 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, और आने वाले टाइम पे इस सिटी का टेम्परेचर जो -25 से -30 डिग्री तक जाने वाला है, ठीक है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं कि भैया -30 डिग्री का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है। जैसे हमारा ये कारगिल है जहाँ पे हमारे आर्मी के जवान रहते हैं, बिल्कुल ठंड में उस तरह का हाल यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों इस शहर में सिर्फ जो कपड़े हैं, जैकेट्स हैं, वो आपको इसी तरह की पहननी पड़ती हैं, और आने वाले टाइम पे आपको थोड़ा मुंह पे भी कुछ पहनना पड़ेगा, आईज़ के ऊपर ग्लासेस लगाने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी आंखें भी ख़राब हो सकती हैं, और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है इस शहर में काम करना अब 6 से 7 महीने के लिए। तो आप देखें दोस्तों यहाँ पे बर्फ़ जो है, बर्फ़ बहुत कम पड़ती है दोस्तों यहाँ पे, बस इसी तरह का रहेगा यहाँ पे, और आप जो है आज बर्फ़ में निकल सकते हैं, इस बर्फ़ के साथ आपको खेलने का इतना अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि ये बर्फ़ जो है आपके लिए घातक हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है, आप इस बर्फ़ के साथ अगर खेलते हैं तो बीमार पड़ सकते हैं। यह कुछ हमारी सिटी का दृश्य है, आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्तों। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरा जो ड्रेस है वो किस तरह का है। तो भाई यहाँ पे आपकी जो जैकेट होती है ना वो आपके पैरों तक आनी चाहिए, वो आर्मी वाले कपड़े और आर्मी वाले लोअर आपको पहनने पड़ते हैं यहाँ पे। वाओ सुंदरता तो काफी है यार, मजा बहुत आता है। और यहाँ पे अब देखने को आपको मिलेगा, देखिए बच्चों ने यहाँ पे गोल गोल सा बना के रखा है यहाँ पे अच्छा लग रहा है भाई। देखो इसके अंदर अभी लाइटिंग फिट की जाएगी कुछ ही दिनों में, फिर रात के समय पे जब इसके ऊपर पहले बर्फ़ गिरेगी लाइट के ऊपर, फिर लाइटें जलेंगी, तो आपको यहाँ पे सारा देखने के लिए बहुत मतलब अच्छा लगेगा, आप भी बहुत देखेंगे। तो दोस्तों कौन कौन है जो बर्फ़ पसंद करता है, बर्फ़ के साथ खेलना पसंद करता है, कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली इस तरह की वीडियोस आपको हमेशा सबसे पहले देखने को मिलती रहे। यहाँ पे बच्चे खेलते थे एक समय, और अब इन सारे सोसाइटियों के बच्चे, कोई भी बच्चा आपको यहाँ पे खेलता हुआ दिखाई नहीं देगा, बहुत कम चांसेस होंगे जो सोसाइटी के बच्चे अब बाहर आएंगे, इसीलिए आज जो है हम उनको बाहर लेके आ गए थे एक बार, बहुत मोटे उसको कपड़े पहनाकर। वाह बच्चों ने स्नोमैन बनाया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। बहुत सारे जो फॉरेनर्स विदेशी लोग हैं वो इस शहर से अपनी जॉब छोड़ के भाग जाते हैं या फिर इस शहर में आना ही पसंद नहीं करते हैं इस पूरे स्टेट में नॉर्थ चाइना में, क्योंकि भाई उनको पता है यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और कई लोग तो जो है बीमार पड़ जाते हैं भाई जब इस शहर में आते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल तक में एडमिट होना पड़ता है। मैं हिमाचल से हूँ, मैं भी ये सोच के आया था कि चलो भैया कितनी ठंड होगी तो यहाँ पे आ जाएंगे, पहली बार जब मैं आया था भाई मुझे भी बहुत मुश्किल हुआ था, 2 साल यहाँ पे मुझे लगे अपने आप को एडजस्ट करने में, अब मुझे यहाँ पता चल गया कि किस तरह के कपड़े पहनने, लोग भैया टेम्परेचर देख देख के कपड़े पहनते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे सर्दियाँ हो, आज कपड़े अलग से पहनेंगे कल अलग से पहनेंगे, टेम्परेचर के हिसाब से कपड़े निकालते हैं यहाँ पे लोग, पहले टेम्परेचर रात को देख लेंगे कल क्या टेम्परेचर है उसके हिसाब से कपड़े। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ये सारी बातें कभी सुनी नहीं थी, और जब यहाँ पे आया तो मेरी वाइफ ने मुझे टेम्परेचर के हिसाब से कपड़े खरीदते हैं, अच्छा ये वाली जैकेट -30 डिग्री में काम आएगी आपको कोई ठंडी लगेगी, अच्छा दूसरी वाली जैकेट -10 डिग्री में काम आएगी, तो इस तरह के कपड़े यहाँ पे चलते हैं भाई। दोस्तों मैं भी हिमाचल प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा, इतनी मोटी बर्फ़ पड़ती है भाई, लेकिन देखो ना यहाँ पे बर्फ़ कम है ठंड बहुत ज़्यादा है,
वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में मैक्सिमम दो तीन डिग्री जाता है, यहाँ पे माइनस 30 डिग्री तक टेम्परेचर माइनस में चला जाता है भाई। और यहाँ पे हार्बिन एक ऐसा शहर है, हार्बिन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं भाई, वहाँ की जो टेम्परेचर दोस्तों माइनस 40 डिग्री तक चला जाता है भाई। आई होप आप लोग इस ब्लॉग को इन्जॉय करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे फूल पत्तियाँ सब खत्म हो जाएंगी, इसलिए ये नकली फूल लगाए हैं, क्योंकि भाई हरियाली तो अब ख़त्म हो गई है, पेड़ पौधे सब सूख गए हैं। अब कम से कम 7-8 महीने बाद आपको हरियाली देखने को मिलेगी, इसलिए नकली फूल नकली पत्ते लगाए जाएंगे पेड़ों पे। बट ये एक खास बात है दोस्तों चाइना की, कि यहाँ पे कितनी भी बर्फ़ पड़े, कितनी भी आंधी तूफान हो, 24 आवर्स इनके रोड जो है वो खुले रहते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़े बड़े स्नो कटर हैं जो कि बर्फ़ को एकदम से खा जाते हैं, निगल जाते हैं। मतलब ये देखिए दोस्तों बर्फ, अब ये गाड़ियाँ कई गाड़ियाँ यहाँ पे जो है बर्फ़ में तब्दील हो जाएंगी। लोग जो है टैक्सी बुक करना पसंद करते हैं। अब ये सारी गाड़ियाँ सामने देख रहे हो, कोई 3-4 महीने बाद निकालेंगे लोग, क्योंकि कई गाड़ियों के ऊपर जो है शीशे की तरह यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगी, जिसको तोड़ने के लिए ये अलग प्रकार का एक औजार यूज़ करते हैं। शीशे के ऊपर मतलब इतनी मोटी मोटी बर्फ़ जम जाती है, बिल्कुल आइस, तो उनको तोड़ना मुश्किल होता है, कि दरवाजे ये खिड़कियाँ खोलना मुश्किल होता है, गाड़ियों को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए ये बहुत कम अपनी गाड़ियों को यूज़ करते हैं सर्दियों में, टैक्सियाँ यूज़ करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।